हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मामी शकर पाल। तो सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे केक, बनाएंगे केक का रेसिपी। तो आज केक बनाएंगे, न्यू ईयर चल रहे हैं तो न्यू ईयर के लिए हम आज केक बनाएंगे। तो आज जो न्यू ईयर है उसके लिए थोड़ा सा डिज़ाइन, अलग से डिज़ाइन होंगे और कलर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होंगे। ये जो केक है कलरफुल वाला केक। सो लेट्स गो स्टार्ट। तो सबसे पहले एक बोल ले लेते हैं, उसके अंदर हम लोग 2/3 कप शुगर डालेंगे, जो पिसा हुआ चीनी है उसको। फिर डालेंगे वार्म वाटर 2/3 कप। तो अभी डालेंगे ऑयल, 2 टीस्पून ऑयल। चलिए इसको एक साथ में मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग डालेंगे 40 ग्राम बटर, 1 छलनी ले लेते हैं। उसमें हम लोग मैदा को छान लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने मैदा लिया, 1 कप मैदा ले लिया इसमें। चलिए इसको छान लेते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैदा के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, तो इसके लिए एक बार छान लीजिए। फिर इसके अंदर अभी हम लोग डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो चलिए इन चीज़ को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो फिर डालेंगे वैनिला, 1 टीस्पून वैनिला इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो आप इसमें चाहे तो कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैनिला मस्ट है। तो चलिए इसको हमने दे दिया, अभी इसको मिक्स करेंगे। जो मिक्स करने का जो तरीका है, देख सकते हैं आप, एक ही तरह से मिक्स कीजिए। तो देख सकते हैं मैंने मिक्स कर रही हूँ, एक ही तरह से मैं घुमा रही हूँ। तो बैटर बन चुका है, अभी हम लोग इसके इस प्लेट के अंदर डाल देंगे। उससे पहले कि थोड़ी सी ऑयल मैंने दे दिया, अगर आपके पास केक टिन है तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी कलर में, तो आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मैंने इसको थोड़ी सी डिज़ाइन कर दिया ऐसे। तो चलिए इसको तो हो गया, रहने देते हैं इसको ऐसे ही। और देख सकते हैं दूसरा जो है इसको प्लेन रखा। अभी एक ज़रूरी बात है, जो इसको थोड़ा सा टैप कीजिए, क्योंकि टैप करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कोई भी बबल्स रह जाएंगे तो वो फट जाएगी, इसके लिए टैप कर रही हूँ। तो अभी हम लोग ओवन में रहेंगे, तो देख सकते हैं मैंने 20 मिनट दिया इसको, फिर बाद में और 10 मिनट देंगे। तो हो गया मेरा केक। तो देख सकते हैं ये केक है, बहुत ही अच्छा बना है। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इससे पहले कि चाकू से हम लोग किनारा का साइड से थोड़ा सा कट कर लेंगे, तो ऐसे निकल जाएगी। चलिए इसको दिखा देता हूँ कैसे आपको थोड़ा सा काट करने का, बस चाकू से एक घुमाएं, बस आपको ये जो केक है निकल आसानी से निकल जाएगी ऐसे ही। केक, ये जो केक है आसानी से ऐसे ही निकल जाएगी। तो चलिए इसको पलट देते हैं केक को। पहले एक प्लेट ले लिया, फिर इसको पलटेंगे। वाह, तो देख सकते हैं ये जो केक है कितना अच्छा बना है केक, और बहुत ही सॉफ्ट बना है। मैं हाथ से, मेरा जो उंगली है उससे दबा के आपको दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं मैं उंगली दबा रही हूँ, तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है एक केक, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन गया है। और ये जो केक है ये भी दोनों मतलब सेम बना है। चलिए इसको भी हम लोग उतर के दे देता है। देख सकते छोटा है, मैं इसके ऊपर में लगाऊंगी तो इसके लिए मैं छोटा बनाया है। देख सकते केक कितना अच्छा केक बना है। चलिए अभी इसको केक को हम लोग थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। तो पहले हम लोग को क्रीम बना लेते हैं। तो मैंने लिया व्हिप क्रीम, जो पाउडर वाला क्रीम मिलता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे आज। तो पहले इसको अच्छे से ब्लीच करेंगे और फिटाएंगे। चलिए फेंट लेते हैं पहले क्रीम को। तो मेरा क्रीम बन चुका है। तो अभी हम लोग चलिए केक को पहले काट लेते हैं। तो मैंने पहले काट लिया हूँ केक को, तो फिर 2-3 लेयर किया हूँ,
देख सकते हैं पहला वाला जो लेयर है इसके ऊपर में रखा है। तो अभी इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, थोड़े थोड़े करके क्रीम लगाएंगे और इसको बुरा मिक्स कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग डेकोरेशन कर लेते हैं। फिर दोबारा इसके ऊपर दूसरा जो केक का है वो वाला दे देंगे। तो मेरा ये पहली मतलब केक डेकोरेशन है, तो बहुत सारा इसमें भूल है। तो अगली जो वीडियो केक का बनाऊंगी वो परफेक्ट बनाने के लिए कोशिश करूंगी। तो पहला है इसके लिए ऐसा हो गया। तो चलिए पहले रेडी है माई न्यू ईयर केक। तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करने का देना। थैंक यू वेरी सो मच।